सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोडो हित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सैमसंग के दो नए फ़ोन के बारे में, जो सैमसंग ने सीक्रेटली लॉन्च कर दिया गया है। पहला जो फ़ोन है वह है सैमसंग का J7 Plus। तो इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल आप लोगों को बता दिया हूँ, इस फ़ोन में हमें क्या क्या स्पेस देखने को मिलता है। और जो दूसरा फ़ोन है वह है सैमसंग का J7 Core। तो ये दो फ़ोन फिलीपींस नाम एक देश है वहाँ पर लॉन्च किया गया, ये देश मलेशिया थाईलैंड के उधर ही है। तो यहाँ पर इन दोनों फ़ोन को लॉन्च कर दिया गया है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में उसी फ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ। और जो J7 Core की जो प्राइस रखी गई है वो रखी गई है 12,000 रुपीज़ इंडिया रुपीज़ के हिसाब से। तो अगर मैं बात करूँ तो J7 Core हमारे इंडिया में भी अवेलेबल है, लेकिन वो अलग नाम से अवेलेबल है। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस फ़ोन की बात कर रहा हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं समझा तो हमें जो 11,500 रुपये में जो हमें सैमसंग का J7 Next नाम से जो फ़ोन मिलता है, सेम टू सेम हमें J7 Core में भी वही देखने को मिलेगा। मतलब सेम टू सेम फ़ोन ही वही है, बस वहाँ पर नाम चेंज करके लॉन्च कर दिया गया है। और अगर बात करें सैमसंग के J7 Plus की, तो सैमसंग के J7 Plus की मैंने पूरी वीडियो आप लोगों को बता दिया हूँ कि ये फ़ोन कब आएगा। अभी तक तो इंडिया में कब आएगा इसकी कोई डिटेल पता नहीं चली है हमें। फ्यूचर में आपको मुझे अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो बना के पहुँचा दूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमें हमारा लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुँच पाए। अगर बात करें J7 Core की, तो इसमें आपको वही 5.5 इंच का इसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलेगा। 720 स्क्रीन है, मतलब फुल एचडी इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक्जीनोस का 7870 चिपसेट देखने को मिलेगा। 2 GB की रैम मिलेगी। 13.5 का कैमरा कॉम्बिनेशन के साथ आएगा फ़ोन। और अगर बात करूँ तो एंड्रॉयड का 7.0 नुखर दिया जा रहा है। और 3000 mAh की बैटरी आपको सैमसंग के J7 Core में देखने को मिलेगी। तो सैमसंग का J7 Core इंडिया में J7 Next के नाम से अवेलेबल है। तो अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो J7 Next ले सकते हैं। सेम टू सेम वही फ़ोन है, बस नाम चेंज कर दिया गया है। अब बात करते हैं सैमसंग के J7 Plus की। तो सैमसंग के J7 Plus का अभी तक तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि इस फ़ोन को इंडिया में कब लॉन्च किया जाएगा। सैमसंग एकदम मतलब सरप्राइज़ दे देता है कि कभी भी लॉन्च कर सकता है। जैसे कि अभी आप लोगों को देखा कि सैमसंग का J7 Core और J7 Plus क्वाइटली लॉन्च कर दिया, पता भी नहीं चला कि सैमसंग की तरफ से फ़ोन लॉन्च होने वाला है यहाँ पर। तो देखते हैं कि इंडिया में इन दोनों फ़ोन को कब लॉन्च करते हैं। इन दोनों फ़ोन नहीं, मतलब सिर्फ J7 Plus को। J7 Next ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि J7 Core के नाम से भी बिकता है। तो देखते हैं कि इन दोनों फ़ोन को, इन सैमसंग के J7 Plus को इंडिया में कब आता है। मुझे जैसे ही कोई फ्यूचर में अपडेट मिलता है अगर इन फ़ोन को रिलेटेड, मैं तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाए। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरह से टेक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड लोग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।